हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जेपैक बॉयज। आज की इस एपिसोड में हम जा रहे हैं फैसलाबाद। इस गाड़ी को भी पता नहीं अचानक क्या हो गया था, खैर खुद ही ठीक हो गई, क्योंकि वहाँ हम शुरू करने लगे हैं मैकेनिक ऑन व्हील्स डॉट पी के का एक नई सिटी। तो शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। रास्ते के लिए हमारा जो भाई है वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ले आया है। अराई जो है वो आज डब्बा चला रहे हैं, तो अराई की बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हटी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मेरे जो है वो पाँव नहीं फिट आने। अभी जो है ना वो मोहित भाई कह रहे थे नहीं नहीं डब्बे में आपको कुछ हो जाएगा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होना है। कहाँ जा रहा है इसको रोक डीसी साहब? यार ऐसे कैसे यार, भाइयों से सलाम दुआ तो कर लो। ट्रैक पे नहीं, फैसलाबाद में मोटरवे का ट्रैक। चलो रेस लगाएं। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं। यार इधर एक बंदा खड़ा है, उसने पैसे ले लिए। क्या ऑर्डर वही लाएगा? बंदा आपका ही है, क्या श्योरिटी है? आप बताओ कितने पैसे लिए उसने मुझसे? सही तो नहीं दी उसने मुझे पैसे लेके। उसके हाथ में कैलकुलेटर था, पैसे कैलकुलेट किया, पैसे ले लिए। 27,000 रुपए दिए उसको मैंने। ठीक है समरिया। तो उसने नहीं दिया 27,000 का सामान, तो तुम भरोगे समरिया? सही है, दिए हमने 18,000 रुपए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो गाइस दिस इज अनदर डे, और बेसिकली आने के बाद एनर्जी लिए थर्ड डे है। रात को निकले थे, फिर अगले दिन हमने अपनी कुछ वर्किंग की, आज इंटरव्यूज लिए हमने, और अब हम दिन भर के बाद थक हार के खाना खाने के बाद हम एक कैफे आए थे। यहाँ पे मैंने कुछ मेन्यू में देखा है अमेजिंग सा, वो आप लोगों को भी चेक कराता हूँ मैं। और स्पेशल थैंक यू टू माई भाई अहमद भाई फॉर हेल्पिंग अस आउट अलॉट, एंड अब्दुल्ला, दोनों भाई आई लव यू। तो खैर मैं आपको चेक कराता हूँ मेन्यू में एक आइटम सबसे पहले, फिर करते हैं मजीद बात। ठीक है अच्छा, ये हम इधर आए हुए थे, इधर आइसक्रीम है, इधर माशाल्लाह कुकेन क्रीम आइसक्रीम बेच रहे हैं भाई। मैंने कहा यार भाई कुकेन क्रीम आइसक्रीम में क्या क्या होता है? कुकेन मतलब ऊपर से डली हुई होती है, कुकेन अंदर होती है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहले से होती है कुकेन, बंदा एक्टिव रहता है, इसके बाद सही चलता फिरता है, सब ओके होता है। मैं नहीं मानता, सब ओके होता है। और कुकेन में अगर तादाद थोड़ी बढ़वानी हो तो फिर उसके लिए 2 स्कूप ले। एक्स्ट्रा टॉपिंग होती है कुकेन की? कुकेन की एक्स्ट्रा टॉपिंग होती है, हो जाएगी। चले अराई क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अच्छा चले हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अहमद भाई माशाल्लाह यार आपके शहर में तो मुझे, मैंने खुद अभी भी पता लगा मुझे कि भाई ये अब तो आप हर रोज यहाँ आएंगे। बोल है ना बात। बॉयज दिस इज एक्चुअली डे 4, और पिछले 3 दिन से हम लोगों ने अपनी सारी वर्किंग की, और हम लोग एक मोटल में रह रहे हैं, और रहते हुए हमने तमाम वर्किंग की है, नया स्टाफ हायर किया है, उनकी ट्रेनिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे पहली गाड़ी फैसलाबाद की जो है वो अभी की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, फतेह जंग, कोट अब्दुल मालिक, नाउ वी विल बी ऑपरेशनल इन फैसलाबाद। अगर आप फैसलाबाद में हो तो आपने डिस्काउंट कोड यूज़ करना है JAPAC25, और आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट ऑन आवर सर्विसेज। ये एक लॉन्ग टाइम ड्रीम था, बेसिकली एक बच्चे का ये एक ड्रीम था कि उसको एक कंपनी बनानी थी जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में ऑपरेशनल हो, वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम हो गया मेरे मालिक का कि ये ड्रीम जो है आज पूरा हो रहा है, एक और सिटी जो है उसमें हम लोग ऑपरेशनल हो रहे हैं। मेरे मालिक का बड़ा करम है, मैं अपने अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हम डोर स्टेप पर प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस सर्विसेज, वो भी तमाम 2010 से नई गाड़ियों की, जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं, और जापानी 2005 से नई गाड़ियों की हम मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस क्या होती है? जैसे कि
ऑयल चेंज मेंटेनेंस होता है, वैसे ही ट्यूनिंग भी पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है, कैटलेटिक कन्वर्टर क्लीनिंग भी पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है। कैटलेटिक कन्वर्टर तमाम नई गाड़ियों में मौजूद होता है, जिसका काम होता है तमाम हार्मफुल गैसेस को अनहार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करना। इसकी रीडिंग जारी होती है ECU को, कंप्यूटर को, थ्रू O2 सेंसर्स जो के लगे होते हैं कैट के पीछे और आगे। जब कैट चोक हो जाता है तो रीडिंग सही से नहीं जाती, तो जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आता है और पिक में भी फ़र्क आता है। तो कैट जब साफ़ हो जाता है, एग्जॉस्ट गैसेस फ्री फ्लो पाती हैं आउट ऑफ द सिस्टम, तो गाड़ी का पिक भी बेहतर होता है, माइलेज भी अच्छा रहता है। तो कैट साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम करते हैं मशीन के ज़रिए साफ़, कोई जुगाड़ू तरीका नहीं होता हमारे कैट साफ़ करने का। कैट साफ़ करने के साथ साथ आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग की जाती है, ब्रेक सर्विस की जाती है और पूरी मेंटेनेंस की जाती है, और आखिर में आपकी गाड़ी की कंप्यूटराइज स्कैनिंग भी की जाती है। मैं साथ साथ ही अपनी टीम का शुक्र गुज़ार हूँ कि मेरे जितने भी बॉयज़ हैं उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। कोई भी चीज़ पाने में आपकी टीम का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है, अच्छे लोग आपको मिलते हैं उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ मैं अकेला होता तो शायद ये नहीं कर पाता। माई टीम, माई बॉयज़, माई पार्टनर्स, वी ऑल हैव वर्कड टुगेदर टू मेक दिस पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। उसके अलावा हम लोग राइट नाउ, हम लोगों ने मैकेनिक ऑन व्हील्स ने पार्टनर अप किया है विद PSO, तो PSO का ऑयल रेडीली अवेलेबल होगा हमारी वैंस के अंदर। अगर आपके डोर स्टेप पर ये आते हैं और आपको अपनी गाड़ी का ऑयल भी चेंज कराना है, तो जो रिटेल प्राइस है, मतलब जो डब्बे पे प्राइस लिखी हुई है, उस प्राइस में आप ऑयल हमसे ख़रीद सकते हैं PSO का, जो कि डायरेक्ट कंपनी से, PSO की कंपनी से हमारे पास आ रहा है। तो ये भी एक एडिड बेनिफिट जो है वो एड ऑन हो गया है। पिछले 3 दिन में आपने देखा हमने क्या किया, हमने बेसिकली खाया पिया घूमा, सिटी एक्सप्लोर की, हमारी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हायरिंग की और कुकेन आइसक्रीम भी खाई और बहुत कुछ किया। तो खैर, वी आर ऑपरेशन इन फैसलाबाद। आप अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.mechaniconwheels.pk और घर बैठे मैकेनिक बुलाएं। आप कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, कोट अब्दुल मालिक हो, फतेहजंग हो, या हो कोई भी शहर जो मैंने मेंशन किया उनमें से, घर बैठे मैकेनिक बुलाएं, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस अपने डोर स्टेप पे कराएं, वो भी 15 दिन की वारंटी के साथ। तो भाइयों, ये हैं सीन्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा पार्ट था कि हम ज़िंदगी में और क्या क्या करते हैं वो दिखाने का। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।